जो शॉर्ट वोवल साउंड हैं वो क्लियरली समझाने हैं क्लियरली उन्हें बताना है कि आई का शॉर्ट साउंड होता है ई ई बच्चों को जब साउंड क्लियर हो जाए तभी आप सी वी सी वर्ड कराइएगा तभी उनको ब्लेंडिंग सिखाइएगा साउंड क्लियर करने के बाद सबसे पहले उनको टू लेटर ब्लेंड करना सिखाइएगा जैसे यहाँ पे मैंने वोवल आई को डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट के साथ ब्लेंड करना करके दिखाया है आप देख सकते हैं सबसे पहले आई को ब्लेंड किया है बी के साथ डी के साथ जी के साथ एम के साथ एन के साथ पी के साथ और टी के साथ तो इसी तरीके से पहले आपको ये लास्ट ब्लेंडिंग है या एंड ब्लेंडिंग आपको कह सकते हैं इसको ये सिखाना है उसके बाद फर्दर आपको फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ ब्लेंडिंग सिखानी है वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मैंशन हीयर अगर आपका बच्चा बबल ए और बबल ई e की साउंड में कन्फ्यूज़ है क्योंकि बहुत ही लगभग लगभग लग लग सेम साउंड होते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप बच्चे को ए और ई e साथ में ना कराएं, आप ई की जो सी वी सी वर्ड्स है या ब्लैंडिंग है उसको आई ओ एंड यू की ब्लैंडिंग कराने के बाद कराइएगा उससे बच्चे को थोड़ा सा टाइम या गैप मिल जाएगा ए के और ई e के सीबीसी वर्ड्स करने में तो वो अच्छे से समझ पाएगा सो so, चलिए शुरू करते हैं ब्लेंडिंग ऑफ वोवल आई विद द एंडिंग कॉन्सोनेंट सो लेट सी ई ब सो क्या बनता है ये इब ई ड इड। इग, इग। इम, इम। इन, इन। i p ip i t so this is the blending of vowel i with last consonant so ye hamari families ban jati hai iv family id family ig family im family in family if family and it family so aage hum इन्हीं families के सी बी सी वर्ड्स देखने वाले हैं लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट फैमिली है इब इ फैमिली ये जो ब्लेंडिंग है ये आप बच्चे को पहले ही सिखा चुके हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चा जब इसको सीधे पढ़ने लगे दिस इज इब आपको थ्री लेटर पर तभी पहुँचना है अदरवाइज आप टू लेटर ब्लेंडिंग की ही अच्छे से प्रैक्टिस कराइएगा बच्चा जब इसको सीधे पढ़ने लगे दिस इज इब दिस इज इम दिस इज इड तब आप सी बी सी वर्ड्स कराइएगा अब क्या करना है आपको सीधे ये जो दो साउंड हैं इब साउंड एंड ब साउंड इनको ज्वाइन करना सिखाना है सो so, आपको किस तरीके से सिखाना है ब, इब बिब फ, इब फिब न, इब निब, निब र इब रिब सो so, अगर बच्चा अच्छे से टू लेटर ब्लेंडिंग सीख गया है तो उसके लिए बहुत ईजी होगा थ्री लेटर ब्लेंडिंग करना नेक्स्ट फैमिली है Id family. Id id family. So let's see some CBC word with it. B it bid. D it did. K it kid. L it lid. R it rid. H, it hid. Next family is ig family. I g ig family. So, let's see some CBC word with ig B, ig, big D, ig, dig F, ig, fig J, ig, jig P, ig, pig R, ig, rig Z, ig, zig W, ig, wig सो so, इसी तरीके से आप बच्चे को टाइम दीजिए एक फैमिली को कम से कम आपको थ्री फोर डेज के लिए कंटिन्यू करना है तभी आप नेक्स्ट फैमिली पर स्विच कीजिए नेक्स्ट फैमिली है इम फैमिली इम, इम फैमिली द इम डिम इम हिम ज इम जिम ख इम खिम र, इम, रिम In tim, sl in slim. Next family is in. In family. B in bin. D in din. F in fin. G in gin. k in kin P in pin. T in tin -s in sin. W in win. Next family is Ip family. Ip family. So let's see some CVC bird. B Ip Bip D Ip dip H Ip Hip L Ip lip. N ip nip r ip rip s -ip, sip t -ip, tip z ip zip. Next family is it family. It word family. B it bit F it इट हिट इट, खिट ल, इट सेट, व इट विट इट पिट एक बार जब आप बच्चे को अच्छे से ब्लेंडिंग के लिए टाइम दे दें उसको ब्लेंडिंग करके पढ़ना ठीक से आ जाए उसके बाद आप इस तरीके का एक चार्ट बनाइए जिसमें आय से रिलेटेड सारे सी बी सी वर्ड्स दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में कैटेगराइज करके दिए हुए हैं और इस चार्ट की हेल्प से आपको बच्चे को अब रिवाइज कराना है यहाँ पे आपको अब बच्चे को ब्लेंडिंग करनी नहीं बतानी है उसको तोड़ के नहीं सिखाना है लाइक दिस इज़ ब इब बिब नो दिस इज़ नॉट द वेट आपको बताना है सीधे दिस इज़ बिब बच्चे को भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको रीड करना आना चाहिए कि दिस इज़ बिब दिस इज़ फेब दिस इज़ नेब एंड दिस इज़ रिब दिस इज़ द वे टू रिवाइज़ दिस काइंड ऑफ़ चार्ट अगेन मैं यही कहूँगी आपको सारी फैमिलीज एक साथ रिवाइज नहीं करानी है आपको एक एक फैमिली करके रिवाइज़ कराना है पहले इब करानी है फिर इड करानी है एक एक दो दो दिन का टाइम लेना है और जब बच्चा एक बार सारा रिवीजन कर लेगा तो वो एक साथ भी आप रिवाइज करा सकते हैं फुल फैमिली को लेकिन अगेन आई विल से बच्चे को टाइम देना है बच्चे से फालतू की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है ये हम लोगों के लिए बहुत इजी है हम ऐसे पढ़ लेंगे बिड डिड किड लिड रिड बट इट्स नॉट दैट मच इी ईजी फॉर किड्स इसके अलावा आप रिवीजन के लिए कुछ डी बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को ये पेंसिल और पेपर लेके बैठना बहुत ही बोरिंग लगता है उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई में तो आप इस तरीके का कोई डी बनाएंगे तो दे विल गेट मोर इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़ इन देयर लर्निंग सो यू कैन ट्राई दिस काइंड ऑफ डी इसमें मैंने कुछ नहीं किया है सिंपल पेपर को फोल्ड करके यहाँ पर सी वी सी लिख दिया है और मैंने पॉपसिकल स्टिक्स यूज़ करे हैं जिनके ऊपर मैंने जो भी हमें फैमिली सिखानी है वो लिखी हुई हैं और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेट एंड कॉन्सोनेंट इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वोल को आप एक डिफरेंट कलर में दिखा सकते हैं और कॉन्सोनेंट को सेम कलर में दिखा सकते हैं सो तो ये बहुत ईजी है आप बनाना इसको ट्राई कर सकते हैं दूसरा आप छोटी छोटी इस टाइप की रीडिंग बुक्स बना सकते हैं ये बच्चों को रीडिंग करने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इससे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और ये बनाना बहुत ईजी है आप कोई भी कलरफुल शीट ले सकते हैं या फिर ए फोर शीट ले सकते हैं और उनको ऐसे पेस्ट करके यहाँ पे इस टाइप से आप एक एक फैमिली के लिए बुक बना लीजिए और बच्चे को खुद ही दे दीजिए आप बच्चों को खुद के हाथ में दीजिए और उनको रीड करने के लिए कहिए ब इन बिन द इन दिन इनफिन इन गिन खन इन खिन प इन पिन ठ इन थिन, स, इन सिन व इन विन इसी तरीके से आप बाकी फैमिलीज़ के लिए भी बना सकते हैं और बच्चों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ बहुत ही तसली के साथ आप बहुत ही आसानी से सी वर्ड्स करा सकते हैं